कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बांजा लेआउट बाबा दीवान नगर क्षेत्र में क्राइम शाखा यूनिट पांच द्वारा की गई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध सुगंधित तंबाकू की खेप पकड़ी गई है, जो गोदाम मालिक सलाखों के पीछे है। शहर में चल रहे अवैध कारोबार के बीच अब बड़ा मामला कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बांजा लेआउट बाबा दीवान नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में अवैध सुगंधित तंबाकू बनाने की सामग्री की खेप पकड़ी गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट पांच की टीम को खबर मिली थी कि बाबा दीवान नगर के रहवासी वाजिद अहमद 30 वर्षीय के कारखाने में अवैध रूप से प्रतिबंधित तंबाकू बनाई जा रही है। जब संबंधित ठिकाने पर छापेमारी की गई, तो ज्ञात हुआ कि उसके कब्जे में अवैध प्रतिबंधित तंबाकू बनाने की सामग्री का भंडार रखा हुआ था। जब उक्त सूचना पत्र के माध्यम से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी गई, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उक्त फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्ति को उपस्थित कर कार्यालय को सूचित किया जाए। छापे के दौरान आरोपी फैक्ट्री में मौजूद नहीं था, जिसके कारण मौके पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, किंतु बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इस छापेमारी में 26 बोरे कच्चे तंबाकू मशीन, 2 मिक्सर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटा, 23 लीटर केमिकल, 3 किलोग्राम केसरी रंग का पाउडर, 3 किलोग्राम ब्राउन पाउडर, 500 ग्राम के 2 पैकेट सिलपन नकली तंबाकू, नकली तंबाकू के 70 पैकेट, एक कपड़े की थैली, बोरी में नकली तंबाकू का बंडल, सिल्वर रंग का पाउडर 3 किलोग्राम, ऐसा कुल मिलाकर 2,43,820 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। कल यही टाइम पे दोपहर के टाइम पे हमारे आगे जो पुलिस वाले टप्पू वाले छोटे ये वांजरा बस्ती कलमना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वहाँ पे टूरिंग कर रहे थे, तो उनको जानकारी मिला है उन्हीं के एक ठिकाने बलाने बलाने ठिकाने ये डुप्लीकेट सुगंधित तंबाकू बनाया जा रहा है। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ उनको कोई दिखा नहीं, लेकिन वो जो इलीगल काम चल रहा था वो दिखा, तो उन्होंने तुरंत हमको फोन किया कि यहाँ से बाकी PSI ठाकुर और अदर स्टाफ हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पूरा फिर सर्च हमने लिया, तो वहाँ पर हमारा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, कच्चा तंबाकू उसको सुगंधित बनाने के लिए जो मशीनरी लगती है, मिक्सर है या सीलिंग पैकिंग के लिए जो मशीनरी लगती है, ऐसे अलग अलग 3-4 प्रकार की मशीनरी और उसके संबंधित अदर मटेरियल, ऐसा सब कुछ मिला। तो फिर ये मिलने के बाद हमने FDO को कॉन्टैक्ट किया कि ऐसे ऐसा हमको मिला है, आप आओ। तो उन्होंने जो FDA के सह आयुक्त है देशमुख साहब, उनको मैंने खुद फोन करके बताया, तो उन्होंने फिर वो एरिया के जो इंस्पेक्टर है मानवकर साहब, उनको अपॉइंट किया, उनसे बात हुई, उनसे लेटर उनको व्हाट्सएप पे भेजा गया कि आप आओ आगे की कार्रवाई के लिए। फिर बाद में उन्होंने हमको ये संदेशा भेजा कि जब तक वहाँ पे आरोपी नहीं है तब तक हम हमारे लॉ के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर वहाँ हमने फिर वो पूरा माल सीज करके, करीबन पूरा माल है वो 2,43,000 का, वो सब जब्त करके कलमना पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। आरोपी मिलने के बाद, आरोपी की तलाश जारी, आरोपी मिलने के बाद ऑफेंस रजिस्टर्ड और बाकी की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।